आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। सो क्वेश्चन में दिया है कि एक पुलिस क्रिएशन है जो कि अप्रोच कर रहा है राइट एंगल इंटरसेक्शन पे फ्रॉम द नॉर्थ। वो किसको चेज कर रहे हैं? एक स्पीडिंग कार को चेज कर रहे हैं दैट हैज टर्न्ड द कॉर्नर एंड इज नाउ मूविंग स्ट्रेट कास्ट। अब जो क्रिएशन अगर 0.6 माइल नॉर्थ पे है इंटरसेक्शन के, सो कार कहाँ पे है? 0.8 माइल टू द ईस्ट पे है। सो जो अब हमें क्या पता चला है कि जो कार है और जो पुलिस क्रेशर का डिस्टेंस है वो इंक्रीज हो रहा है 20 माइल पर आवर से। अब जो क्रेशर है वो मूव कर रहा है 60 माइल पर आवर से। सो हमें बताना है कि स्पीड ऑफ कार कितनी होगी। सो इस केस में हमें क्या क्या गिवन है, पहले हम वो लिख लेते हैं। हमें ds बाई dt गिवन है, कितना? 20, यानी कि हम लिख सकते हैं 20 माइल पर आवर। और हमें क्या गिवन है? dy, हमें dy बाई dt हमें कितना है? dy बाई dt माइनस 60, तो हम यहाँ लिख देंगे माइनस 60। और हमें क्या गिवन है? और हमें गिवन है अगर x 0.8 है तो y कितना है? 0.6 है। सो हमें कैलकुलेट क्या करना है? dx बाई dt हमें कैलकुलेट करना है। सो इस केस में अगर हम ट्राइंगल की तरफ देखें, सो राइट एंगल ट्राइंगल है और ये साइड कितनी है? s है। ये पूरा कितना है? x है। और ये कितना है? y है। यानी कि हम पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हैं कि s का स्क्वायर किसके इक्वल होगा? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर के इक्वल होगा। अब हम क्या करेंगे? दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे इसको, यानी कि डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड को हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। सो ये कितना आ जाएगा हमारे पास? t अपॉन dt, s का स्क्वायर इक्वल्स टू d अपॉन dt, x का स्क्वायर प्लस d अपॉन dt, y का स्क्वायर। सो अब इसकी पावर कितनी है? 2 है। सो 2 s पावर कितनी हो जाएगी? 2 माइनस 1। और क्या आ जाएगा? ds बाय dt इक्वल्स टू ये क्या है? 2। x की पावर कितनी है? 2 माइनस 1, ये कितना आ जाएगा? dx बाय dt। ऐसे ही प्लस 2 y 2 माइनस 1 dy बाय dt। सो ये हमें कितना मिल जाएगा? 2s ds बाय dt इज इक्वल टू 2x dx बाय dt प्लस 2y dy बाय dt। यानी कि हम 2 कैंसिल कर सकते हैं, सो कितना आ जाएगा? s ds dt इज इक्वल टू x dx dt प्लस y dy dt। अब हम क्या करेंगे? x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब y कितना गिवन है? मैं 0.6। x कितना गिवन है? मैं 0.8। तो s कितना हो जाएगा? 0.8 का स्क्वायर प्लस 0.6 का स्क्वायर अंडर रूट, तो ये कितना मिल जाएगा हमें? 1 मिल जाएगा। सो s की जगह हम पुट कर देंगे 1 इंटू ds बाई dt कितना है? 20 इक्वल्स टू x कितना है? 0.8, यानी कि 8 अपॉन 10 इंटू dx बाई dt हमें कैलकुलेट करना है प्लस y हमारे पास है 0.6, यानी कि 6 अपॉन 10 dy dt कितना है? माइनस 60 है। सो ये हो जाएगा हमारे पास 8 अपॉन 5 dx बाई dt इज इक्वल टू 40 प्लस 72, ये कितना आ जाएगा? 112। सो dx अपॉन dt हमें कितना मिल जाएगा? 112 इंटू 5 अपॉन 8, यानी कि इसको कैलकुलेट करने के बाद हमें क्या मिलेगा? 70 माइल पर आर। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।